कहानी की शुरुआत होती है, हमको एक देवी का नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पेरेंट्स और नौकर के साथ घर में होती है। इसके डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, इसकी मॉम घर का काम कर रही होती है और घर का नौकर यानी मनोहर लाल खाना बना रहा होता है और देविका अपने रूम में बैठकर फ़ोन का इस्तेमाल कर रही होती है। अचानक से कोई डोर नॉक करता है, देविका को लगता है ये केक वाला है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और ये अपने नौकर यानी मनोहर लाल को गेट खोलने के लिए बोलती है और जैसे ही मनोहर लाल गेट ओपन करता है एक खूंखार दरिंदा मनोहर लाल के माथे में गोली उतार देता है। ये सभी लोग डर जाते हैं, इसके पेरेंट्स डर की वजह से कमरे में जाकर छुप जाते हैं और देविका वहीं पर छुपी रहती है और थोड़ी देर बाद देविका भी मौका देखते ही एक दूसरे कमरे में आकर छुप जाती है। अब ये खूंखार दरिंदा इन लोगों को घर के अंदर ढूंढने लग जाता है और ढूंढते ढूंढते देविका के कमरे तक पहुंच जाता है। देविका अपने आप को कमरे के अंदर लॉक करके रखती है और ये काफी डरी हुई होती है। ये देविका को बोलता है कि देविका तुम बाहर आ जाओ, बातों से मसला हल किया जा सकता है, मुझको भी खून खराबा पसंद नहीं है। देविका इसको बोलती है कि तुमने हमारे नौकर मनोहर लाल को मार दिया, तुम मुझको भी मार दोगे, मैं नहीं आ सकती। अब अचानक से गौतम को बराबर वाले रूम से इसके पेरेंट्स की आवाज आती है और उसको पता चल जाता है कि इसके पेरेंट्स इस वाले रूम में छुपे हुए हैं। अब ये देविका को वार्निंग देता है और बोलता है कि देविका अगर तुम बाहर नहीं आई तो तुम्हारे चक्कर में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा, लेकिन ये लोग बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि ये काफी डरे हुए होते हैं। काफी देर तक गौतम चुप बैठा हुआ होता है। अब इसके माइंड में एक आइडिया आता है, ये अपने हाथ में एक बॉल रहता है और बॉल को सीढ़ियों पर डाल देता है ताकि ये सीढ़ियों की आवाज सुनकर इनको लगे कि गौतम यहाँ से चला गया, और दोस्तों इनको ऐसा ही लगता है। अब ये सोचते हैं कि गौतम यहाँ से चला गया है क्योंकि हमको सीढ़ियों की आवाज आई थी। अब ये धीरे धीरे गेट खोलना शुरू कर देते हैं और इस वेब सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा अगले इसके एपिसोड में, क्या ये लोग गेट खोलते हैं और अगर खोलते भी है तो क्या गौतम इनको मार देता है? जानने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।